फतेहपुर उपचुनाव के लिए आज रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा के समक्ष बलदेव ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के उपचुनाव के परिणाम ऐतिहासिक रहेंगे। उन्होंने प्रदेश में हो रहे विधानसभा के तीनों उपचुनावों एक मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा किया। फतेहपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के नामांकन पत्र की प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत मुख्यमंत्री ने रैन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैन पहुंचने पर वन मंत्री राकेश पठानिया, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्षा रीता ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से अपील की कि इलाके में विकास को गति देने के लिए भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताएं। उन्होंने इस अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं भी गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आम गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के दौरान शुरू नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस दौरान फतेहपुर विधानसभा में भी विकास की कोई कमी नहीं रखी गई है। यहाँ के लोगों की जो जो समस्याएं व मांगें थी उनको हल किया गया है और जो विकास कार्य रह गए हैं उन्हें यहाँ से भाजपा के विधायक बनने के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इसे देश में एक विशेष परिवार चला रहा है, जिससे आज पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इस पर कोई भी चढ़ने को अब तैयार नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से दोनों हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं कितने लंबे समय से इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी 2 चुनाव लड़े हैं और इस बार पार्टी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और इस बार हमने इस सीट को जीतना है। और हम सब कार्यकर्ता मंडल फतेहपुर के साथ मिलकर, यहाँ के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर, पूरी रणनीति के साथ इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। मेरी आप सबसे एक ही अपील है कि हमारे साथ और मंडल में जो भी कार्यकर्ता है, जो भी घर में बैठा हुआ कार्यकर्ता है या किसी कारण उसमें दिल में कोई भी बाधा है, मैं उस कार्यकर्ता का चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बलदेव ठाकुर पहुंचूंगा और उसे भारतीय जनता पार्टी में लेके आएगा और फतेहपुर में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और इस फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को फिर से जीत कर माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पार्टी का हुआ, हम उसको स्वागत करते हैं। और जैसे विक्रम जी ने कहा आपको कि एक बार जो फैसला भाजपा में हो जाता है उसके ऊपर सब कार्यकर्ता लग पड़ते हैं। कृपाल जी भी रेस में थे, रीता ठाकुर जी भी रेस में थी, जगदेव जी भी रेस में थे, हैप्पी जी भी रेस में थे, बहुत से कार्यकर्ताओं का सबका हक बनता है टिकट मांगना। टिकट मांगना किसी का भी हक बन सकता है। सब ने जिन्होंने मांगा उनका दावा पेश हुआ और लगातार लंबा एक संघर्ष के बाद जो है आखिर हाईकमान ने ये तय किया कि बलदेव को ही चुनाव लड़ना। तो हम सब बलदेव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे प्रभारी साहब प्रभारी के रूप में यहाँ खड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई किसी किस्म की कोई बगावत नहीं हुई है। छोटा सा थोड़ा रोषा था, हमारा ही परिवार है, वो भी हमारा ही एक अंग है, उनका हक बनता था, जितना गुस्सा निकालना था निकाल दिया। सुबह सबसे बात हो गई है, 90% लोग आज रैली में आ रहे हैं और 10% जो बचेंगे उनको भी मना के, उनको भी समझा के, उनको भी अपने साथ लेके पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का साथ चलेगा। किसी किस्म की कोई भी बगावत नहीं है, इस बात को स्पष्ट कर दें। ये केवल सोशल मीडिया का एक शोशा है और कुछ नहीं है। जो प्रधानों की लिस्ट कल जारी है उसमें कोई भी प्रधान नहीं था, एक भी प्रधान नहीं था और सारे के सारे प्रधान आज यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। दोनों जो हैं पार्टी के जो ऑफिस बेस हैं सबसे बात हो चुकी है, 95% आज यहाँ पे आएंगे। इसलिए हमारा परिवार है, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। वो चिंता हम दोनों यहाँ कर रहे हैं उसके बारे में और हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम 10,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में होती, समय के अनुसार सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये श्री राकेश पठानिया जी का पुराना क्षेत्र है, यहाँ पर इनका अच्छा दबदबा है और राजनीति के अंदर बहुत अच्छे और बुरे अनुभव यहाँ से इन्होंने लिए हैं। मुझे लगता है ऐसे नेता इस क्षेत्र में हैं और हम सब लोग अपनी टीम मिलकर काम करेगी। और जो आप बोल रहे हैं कोई बागी बनेगा को कुछ बनेगा, कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें एक चैनल पे चलेंगी, सब ठीक होगा। हिमाचल पूरे उत्तर भारत में क्या पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां कोविड के संकट के दौरान किसी मरीज को अगर बेड की जरूरत पड़ी तो उसको बेड उपलब्ध हुआ, ऐसे मरीज को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई है, ऐसे मरीज जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसको वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। लेकिन बहुत सारे राज्यों में तो ये भी परिस्थिति रही कि मरीज बेड मांगता रहा, बेड भी उपलब्ध नहीं होगा। बाकी बातों की तो थोड़ी, 2.5 लाख से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यों में संकट में फंसे हुए थे। हमने बसें भेज करके, गाड़ियां भेज करके, ट्रेनें स्पेशल लगा करके उनको घर तक पहुंचा, जो किया जा सकता था करने की हमने कोशिश की। और मेरे साथ ही यहां पर कह रहे थे, वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे, जब वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि भारत में 135 करोड़ की आबादी में क्या हमारी ताकत नहीं है कि हम अपने साइंटिस्ट हमारे रिसर्च करके वैक्सीन तैयार कर सके। भारत के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, वैक्सीन तैयार हुई। और जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर। जाकर के आपके कांगड़ा जिला का ही हमारा बड़ा बंगाल, जहां 4 दिन से ज्यादा समय लगता है पहुंचने के लिए, पैदल पहुंचना पड़ता है, हमने डॉक्टर भी हेलीकॉप्टर में भेजा, वैक्सीन भी हेलीकॉप्टर में भेजी, नर्सें भी हेलीकॉप्टर में भेजी और जाकर के बड़ा बंगाल में उतारा। और वहां जितने भी लोग थे, 150 से ज्यादा लोग जो वहां पर थे, सबको वहां पर वैक्सीन लगा कर दिया। डोडरा कुमार गए, मैं डोडरा कुमार जहां से वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़ते थे रोहडू विधानसभा क्षेत्र में, 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन वहां पर है, एक एक को वैक्सीन लगा करके हमने पूरा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वर्चुअली हमारे साथ जुड़ करके हमसे बात करने के लिए एक दिन निर्धारित किए तो प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का भी आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका भी धन्यवाद किया और साथ में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के नागरिकों का भी अभिनंदन किया। आप सबको भी बधाई दी कि आप सबने इतने सहयोग। जहां तक हिमाचल प्रदेश में काम की बात आती, अगर मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर काम की बात का जिक्र करता रहूं बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि मुझे इसके बाद दूसरे नॉमिनेशन में जाकर के जुबल कोट टाई पहुंचना है। लंबी बात करने के लिए आएंगे, किसी और दिन आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में विकास को गति मिली। और इस विधानसभा क्षेत्र में भी आप लोगों ने जहां जो कहा मुझे, मैंने करने की कोशिश की है, मैंने वो करने की कोशिश की है। आपने कहा कि रे में सब तहसील होनी चाहिए, हमने रे को सब तहसील दी। फिर आगे बाद दूसरी बार आए, नहीं कहा कि राजा का सलाब रह गया वहां सब तहसील होनी चाहिए, हमने वहां सब तहसील दी। फिर आप लोगों ने कहा कि रहन में सीएससी है, इसका दर्जा बनना चाहिए, ये सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, हमने सीएससी का दर्जा बढ़ाकर तो उसको सिविल हॉस्पिटल किया। आप लोगों ने कहा कि यहां पर 20 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों पर तुरंत हमको पैसे की जरूरत है, हमने 20 सड़कों को 10-10 लाख रुपए दे करके उन सड़कों को ठीक करने के लिए, उन सड़कों को बेहतर करने के लिए यहां से पैसा सैंक्शन किया।
हमें आप लोगों ने कहा कि राम सिंह पठानिया स्टेडियम को जो है वहां पर फतेहपुर में उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। हमने 50 लाख रुपए उसकी स्वीकृत करके उसके लिए काम करने की शुरुआत करने के लिए कहा। आप लोगों ने कहा कि राजा के तालाब में यहां पर पीएससी खुलनी चाहिए। हमने कहा कि पीएससी खुलनी चाहिए तो राजा के तालाब को पीएससी दे दी। और यही नहीं, और उसके बाद आप लोगों ने दो जगह यहां पर कटवाली और रोड के लिए कहा कि यहां का दर्जा जो स्कूल का दर्जा बनना चाहिए, हमने हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर दोस्तों प्लस टू किया। जो कहा वो करने की हमने कोशिश, और इसलिए मेरा आप सबसे भी आपके बीच में यही निवेदन है, ये दौर यहीं तक नहीं, चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। जो मांगेंगे आप वो हम करते रहेंगे, लेकिन ये फतेहपुर मुझे चाहिए। फतेहपुर में फतेह चाहिए, यहां गेट चाहिए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी, क्योंकि टिकट मांगने का अधिकार सबको, कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन टिकट तो पार्टी एक को तय करेगी। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि बदेव ठाकुर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता, हमारा सारा संगठन, हमारा सारा परिवार जो है बदेव ठाकुर को विजयी बनाने में कोई कमी नहीं होती। पार्टी में कई चीजें आज मिलती हैं, कई कल मिलती हैं। आप देखिए जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे आज सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मंत्रिमंडल में थे। पार्टी ने कहा कि किम पहन की सेवाएं दिल्ली में हम लेना चाहते हैं, नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने, वो महामंत्री के नाते, मंत्रिमंडल छोड़कर के महामंत्री के नाते पार्टी की सेवा करने के लिए दिल्ली चले गए। वहां काम करने के बाद, फिर पार्टी के अच्छे काम करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करना चाहिए। उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, मंत्रालय दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया। आज एम्स हिमाचल प्रदेश में उनकी देन है। एम्स के अलावा हिमाचल प्रदेश में चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो मंडी का मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा सिरमौर का, नाहन का मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा चंबा का मेडिकल कॉलेज, ये सारी देन अगर किसी की है तो उसमें आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। फिर पार्टी ने तय किया कि नहीं, मंत्रिमंडल से हट करके अब इनको पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी देनी चाहिए, पार्टी के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी। आजाद भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा जी का, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब लोग को इस बात को सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता के नाते अपनी निष्ठा, अपने कार्यकर्ता के नाते अपनी भावनाओं का जो है वो भावनाओं के साथ आगे बढ़कर के काम करने की जहां जरूरत है वो करना चाहिए। पार्टी स्वयं अपने आप तय करेगी आने वाले समय में किस आदमी को कहां दायित्व देना है, क्या जिम्मेवारी देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां का सारा संगठन एकजुट होकर के यहां पार्टी के काम के लिए लगेगा। और ये फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र लंबे अरसे से यहां के विधायक का हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इंतजार करें, अब इस इंतजार को पूरा करें। हम आपके बीच में ये निवेदन करने के लिए आए कि लंबा इंतजार हो गया, बहुत हो लिया, शायद मेरे ख्याल में 13 वर्ष हो गए। 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं, और 13 वर्ष का वनवास अब तो समझ सकता सकता हूं मैं कि वो पूरा हो गया। अब की बारिश वनवास को समाप्त करिए, आपके क्षेत्र के विकास के जिम्मा हम लेंगे। जो भी यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता होगी, आप भाई बलदेव जी को जिता करके विधानसभा के अंदर पहुंचाइए,
बाकी आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करना होगा उसमें हम कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश में पहली मरतबा ऐसी स्थिति आई है कि जब इतने बड़े स्केल पर उपचुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा के हैं और 1 लोकसभा का है, अगर कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो 20 विधानसभा क्षेत्र जो है चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति जो आई है हमारे सामने, तो उसका उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। आज हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बलदेव ठाकुर जी का नामांकन हुआ है, हम उसमें शामिल हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी जीतेंगे और वहाँ भी जीतेंगे। सर्कल मंडी, आज फतेहपुर, फिर हरकी, जुबलकोट खाई लगातार दौरा रहेगा, किस तरीके से इस दौरे को देखते हैं आप और कितना जोश भर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं? देखिए, सीधी सी बात है कि हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले जितने भी ये दौर परीक्षा के हुए हैं, हम उसमें सब में सफल हुए हैं और यहाँ पर भी सफल होंगे निश्चित।